नई टेरिटरी की तलाश में पेंच टाइगर रिजर्व की एक बाघिन 400 किलोमीटर का सफर तय कर छत्तीसगढ़ के अचानक मार टाइगर रिजर्व पहुंची। वर्ष 2022 में पेंच टाइगर रिजर्व कर्माजीरी के जंगल में कैमरा ट्रैप में देखी गई थी। यह बाघिन पेंच से अचानक गायब होने के बाद वर्ष 2023 से वर्तमान में अचानक मार टाइगर रिजर्व में देखी जा रही है। यह बाघिन पेंच कान्हा कॉरिडोर से होकर अचानक मार टाइगर रिजर्व पहुंची। बाघिन अखिल भारतीय बाघ आकलन के आंकड़ों में बाघिन की फोटो मैच करने पर इस बात की हुई है पुष्टि। वाइल्ड लाइफ की दृष्टि से दुर्लभ और रिसर्च करने वाली बताया जा रहा है घटनाक्रम। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस न्यूज नेटवर्क, सिवनी। ये हमें जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के अंतर्गत में टाइगर सेल है वहां से एक सूचना प्राप्त हुई कि अचानक मार टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में है वहां एक टाइग्रेस का जो डेटाबेस उन लोगों ने जब एनालाइज किया तो वो उनके यहाँ की नहीं थी, वहां पैदा हुई नहीं थी, और उन्होंने उसके बारे में ज्यादा मालूमात के लिए एनटीसीए टाइगर सेल को भेजा और एनटीसीए टाइगर सेल ने पूरे सेंट्रल इंडिया के जो अलग अलग जगह टाइगर रिजर्व है वहां के डाटा से मैच करा। तो वो हमारे पेंच टाइगर रिजर्व में 2022 अखिल भारतीय जो बाघ आकलन हुआ था उस समय के जो डेटाबेस था उसमें वो टाइग्रेस हमारे यहाँ की घाटकोका और कर्माजीरी रेंज में उसके फोटोग्राफ्स आए थे। तो ये उन्होंने कम्युनिकेट किया और फिर मैंने हमारे यहाँ के भी डेटाबेस से पुष्टि की और अचानक मार के डिप्टी डायरेक्टर है मिस्टर गणेश उनसे भी मैंने बात करी, उन्होंने भी पुष्टि की कि ये जो टाइग्रेस है उनके यहाँ 2023 में भी कैमरा ट्रैप पे आई थी ठंड में और अभी 24 में भी आई, तो कम से कम वो एक साल से तो अचानक मार में है ही। हमने ये भी देखने की कोशिश करी कि क्या यह यहां से कान्हा में भी जाके कुछ समय तक रही, लेकिन कान्हा के डेटाबेस में ये नहीं है, तो संभवतः ये मानसून के समय गई हो जब कैमरा ट्रैपिंग नहीं होती है। तो ये बहुत ही उत्साह भी देती है और आशा भी देती है कि जो हमारे कॉरिडोर है, हम अपने केवल टाइगर रिजर्वों को या बाघ के आवासों को बचाने की बात नहीं कहते हैं, यदि हमें बाघों को और इस पृथ्वी को लंबे समय तक बचाना है तो ये टाइगर कॉरिडोर्स को भी बचाना होगा, और उस दृष्टि से कान्हा से पेंच कॉरिडोर और फिर कान्हा से अचानक मार कॉरिडोर ये दोनों इंटैक्ट हैं और इसी को शायद इस्तेमाल करके वो टाइग्रेस गई है, तो अच्छी खुशी की खबर है ये।